भाई आपके लिए लेके आया गया हूँ 7900XT और 7900XTX ग्राफिक कार्ड। यार ये RDNA 3 कंप्यूट कोर के साथ में आता है, जिसके अंदर 7900XT का 84 और XTX का 96 कोर रहता है। स्ट्रीम प्रोसेसर रहता है भाई 5376। वही अगर आप स्ट्रीम प्रोसेसर देखते हो उसके अंदर तो 6144 प्रोसेसर रहता है, ओके। और गेम क्लॉक स्पीड रहता है भाई मिनिमम 2 GHz XT का, और XTX का रहता है 2.3 GHz। टर्बो बूस्ट उसका 2.4 होता है, इसका 2.5 है। वही सेकेंड जनरेशन इन्फिनिटी कैच 80 MB के साथ में आता है, वही XTX आपका 96 MB कैश मेमोरी के साथ में आता है। XT को अगर आप देखते हो 20 GB आता है, XTX 24 GB आता है, और XT 320 bit के साथ में रहता है, XTX आपका 384 bit के साथ में आता है। उसके बाद में आपको क्या बोलूँ यार, 300 टू 350 वॉट्स का XT पावर कंजप्शन है, उसका 355 वॉट्स का है। 750 और 800 वॉट्स के पावर सप्लाईज रिकमेंडेड है, लेकिन यार मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको 1000 वॉट्स के ऊपर ही जाओ, क्योंकि प्रोसेसर भी आजकल हाई एंड डील लेते हो। और यार ये FSR 2.0 के साथ में आने वाला ग्राफिक कार्ड जो अपना कंपिटिटर ब्रांड का रिप्लेसमेंट मॉडल बोल सकते हो। चलो इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड था, अगर आपको भी बाई करना है सुपर कंप्यूटर लैपटॉप SCL गेमिंग को आप कांटेक्ट कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट डील रहेगा, प्राइस जो है अनबिलीवेबल है। कमेंट में